और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ में बैठक पर लॉकडाउन पर फैसला ले सकते हैं, जिसको लेकर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करें। प्रदेश में महामारी कोरोना को रोकने के लिए गंभीर स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ये सच्चाई है। आज 63,000 का आंकड़ा पार कर गया। देश में भी 1,70,000 से ज्यादा केसेस निकलकर सामने आए। महाराष्ट्र ने पहले ही कुछ कड़े नियम लागू किए। मॉल, दुकान, धर्मस्थल, राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी ये लगातार जारी है। साथ ही में 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन भी लागू किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थिति गंभीर बन रही है। ऑक्सीजन हो चाहे आईसीयू बेड्स हो, इसकी कमी आने वाले दिनों में हो सकती है। इसको लेके लगातार 2 दिन से मुख्यमंत्री महोदय अधिकारियों के साथ, अलग अलग मंत्री, टास्क फोर्स के लोगों के साथ क्या किया जा सकता है उसका अंदाज ले रहे हैं। निश्चित रूप से अगर आंकड़े इसी तरह से बढ़ते रहे तो टास्क फोर्स का मत है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन कड़ाई से लागू करना पड़ेगा, लेकिन इसको लेकर लोगों से बैठकें ले रहे हैं। आज उप मुख्यमंत्री के साथ कुछ अधिकारियों के साथ बैठक है। निश्चित रूप से परिस्थिति को मॉनिटर करने का काम मुख्यमंत्री और सभी मंत्री कर रहे हैं, बैठकें लगातार हो रही हैं। ऑक्सीजन की कमी ना होने दी जाए, ये प्राथमिकता है। और अस्पतालों में बेड्स की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है, रेमडेसिविर को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, वैक्सीनेशन को लेके भी अंदाजा लिया जा रहा है कि कैसे और बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो, तो इस तरह की चीजें लगातार बनी हुई है। और निश्चित रूप से जो भी फैसला होगा वो सामूहिक रूप से फैसला करके आगे लाओ। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।